क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन, और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज सेवन अमेरिकन्स, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज सेवन अमेरिकन्स एंड सेवन इंडियंस. अच्छा, सात अमेरिकन है और सात इंडियंस है, उनको आपने क्या करना है, अरेंज करना है एट अ राउंड टेबल, ठीक है, एट अ राउंड टेबल, इनको आपने राउंड टेबल पर अरेंज करना है, अच्छी बात है. व्हेन नो टू अमेरिकन्स आर कॉन्सिक्यूटिव, व्हेन नो टू अमेरिकन्स आर कॉन्सिक्यूटिव, इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो अमेरिकन अगल बगल नहीं होने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये तो एक के बाद एक, आपसे क्या बोल रहा है, व्हेन नो टू अमेरिकन्स आर कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव आसान सवाल है अगर आप इसको समझते हुए करेंगे, ठीक है, जैसे अगर ये मेरी टेबल है बाय द वे, सोचो तो बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप पहले या तो इंडियंस को बिठा लो या तो अमेरिकन्स को बिठा लो और उनके बीच के गैप में मैं फिर अमेरिकन्स या इंडियंस बिठा लूँगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सात अमेरिकन बिठाऊँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अगर सातों अमेरिकन है, सपोज इंडियंस भी हो सकते हैं एज ए विश, ठीक है, आप किसी को भी बिठा दो अमेरिकन है, ठीक है, कितने अमेरिकन है, एक दो तीन चार पाँच छः. अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है, खास बात आपने एक चीज़ बड़े अच्छे से आपने नोट करनी पड़ेगी, जब भी हमने लीनियर अरेंजमेंट देखा, एक लाइन में अरेंजमेंट, अगर लाइन में सात लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो कितने गैप्स बनते हैं, हमेशा एक ज़्यादा गैप, मतलब उनके बीच में जगह, बीच का मतलब उससे पहले भी हो सकती है, तो एक जगह ये बनी ना, मतलब मैं किसी को भी रखूँ तो वो मतलब कॉन्सिक्यूटिव ना आए. सपोज अगर मैं अब इंडियंस का रखूँगा तो यहाँ भी रख सकता हूँ, 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 भले इंडियन मेरे पास साथ ही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं इंडियन को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, ताकि अमेरिकन एक साथ ना आए. इतनी सारी जगह, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका मतलब कभी भी सात लोग बैठते हैं तो गैप्स मेरे पास कितने निकल के आते हैं, हमेशा उससे एक ज़्यादा, इन लीनियर अरेंजमेंट. आपने क्या देखा लीनियर अरेंजमेंट में, ये बड़ा अच्छा अच्छा है बड़ा, इसमें एक बड़ा बेहतरीन सवाल है. हमेशा आपने क्या देखा, अगर इसी को मैं घुमा दूँ तो मामला ख़राब जाएगा, मामला ख़राब इन द सेंस कि आई आई इंडियंस ना सेम आ गए, अगर इन दोनों को मर्ज कर दो तो फिर कहानी मेरी अलग होगी, वो अलग चीज़ है. मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लीनियरली जब हम लोगों को अरेंज करते हैं तो उनके बीच में अगर मैं स्पेसेस देखूँ या गैप्स देखूँ तो डेफिनेटली इट विल बिकम ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ पीपल, वन मोर देन द नंबर ऑफ पीपल. अगर यहाँ पर आर है मेरे पास, सपोज आर मेरे पास अमेरिकन थे, तो गैप्स कितने आते हैं मेरे पास, गैप्स अगर आर अमेरिकन होते तो गैप कितने आते मेरे पास, आर प्लस वन, एक ज़्यादा. यहाँ पर कितने अमेरिकन है मेरे पास, सेवन अमेरिकन है, यहाँ कितने गैप आएंगे, एक गैप दो गैप तीन गैप चार गैप पाँच छः सात. तो सर्कुलर में क्या होता है, जितने लोग हैं उतने ही गैप आएंगे. तो अब तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया बेटा, देखो सी सात लोग, सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, सात अमेरिकन को सर्कल में बिठाने के तरीके कितने हैं, सेवन माइनस वन फैक्टोरियल, क्या बोलते हो, हाँ. अच्छा, अब जो रिमेनिंग इंडियंस बच गए, सात इंडियंस, सात इंडियंस को आपने इन सात जगहों में बिठाना है, और सात इंडियंस को सात जगहों में बिठाने का तरीका, अब यहाँ पर सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं आएगा, सात इंडियंस को सात में बिठाने का तरीका कितना होगा, सेवन फैक्टोरियल. अब यहाँ पर तो कहीं भी बिठा बेटा, यहाँ पर अब यहाँ पर आपको ये नहीं देखना ना कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है क्या, अभी तो जगह बन चुकी है, अभी तो नॉर्मल तरीका आ गया पुराने तरीका, ठीक है. तो आपने जब इनिशियली जब आपने सात लोगों को सर्कल में बिठाया, वो अमेरिकन भी हो सकते हैं, इंडियंस भी हो सकते हैं, उसके लिए मैंने आई यूज दिस सेवन माइनस वन फैक्टोरियल, ये था सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए. लेकिन अब जो रिमेनिंग मेरे पास सात जगह बची, उन सात जगहों में सात इंडियंस को बिठाने के तरीके सेवन फैक्टोरियल है बेटा, वो तो नॉर्मली हो गया, वो तो लीनियर वे में हो गया. सोचो आप, दिस इज द आंसर, सिक्स फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल आंसर. अगला सवाल है, आउट ऑफ टेन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आउट ऑफ टेन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, अब आपके पास दस फूल हैं अलग अलग कलर के, हाउ मैनी डिफरेंट गार्लैंड कैन बी मेड, हाउ मैनी डिफरेंट गार्लैंड मालाएं, हाउ मैनी डिफरेंट गार्लैंड, गार्लैंड मतलब मालाएं, हाउ कैन बी डिफरेंट गार्लैंड कैन बी मेड इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट ऑफ सिक्स फ्लावर्स, ईच गार्लैंड हर गार्लैंड में, ईच गार्लैंड
Each garland consists of हाँ, 6 flowers. अरे बहुत ही आसान है तो भाई, आप खुद सोचो. देखो ये सवाल बड़ा ही प्रैक्टिकल है. खुद सोचो आप, हम लोग दिवाली में क्या करते हैं? हम लोग, हमें पापा लोग बोलते हैं माला बनाओ यार, हैं खूब फूल खरीद के ले आएंगे पापा, और हमसे कहेंगे चलो सुई धागा में धागा डाल देंगे और बोलेंगे मालाएँ बनाओ. अब आजकल तो मार्केट में ऑलरेडी आ रही हैं बनी हुई, लेकिन हमारे वक्त में हम लोग पापा लाते थे मार्केट से फूल खरीद के और हम लोग मालाएँ बनाते थे. तो सपोज़ मेरे पापा सिर्फ 10 क्या लाए, फ्लावर लाए, और मुझे माला बनानी है. जिस माला में कितने फूल आने हैं? 6 फूल आने हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उन 10 में से उन 6 चुनूँगा, 6 फूल. और वो 10 में से 6 चुनने के तरीके होंगे 10C6, और उन 6 में से मैं क्या बनाऊँगा, मालाएँ बनाऊँगा. और माला का मतलब क्या है, अगेन सर्कुलर परम्यूटेशन. और कैसा है वो माला वाला, मालूम वाला कैसा है, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो अपॉन 2 कर देंगे बस. इसका मतलब आंसर देखो कितना आसान है. आपने क्या करा, आपने 10 में से पहले 6 फूल चुने, क्या आपकी कहानी हो गई, माला बनी कि नहीं बनी. फिर आपने उन 6 की माला बनाई. अब 6 का जो सर्कुलर परम्यूटेशन होता है वो होता है 6 - 1 factorial, लेकिन क्योंकि ये गार्लैंड वाला केस है तो अपॉन 2 भी आएगा. अगला सवाल है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys एंड 5 girls, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys एंड 5 girls can be seated on a circle, can be seated on a circle. Alternatively, if alternatively का मतलब समझते हो ना, अगर पहले लड़का बैठा तो फिर लड़की आनी चाहिए, फिर लड़का फिर लड़की. If condition क्या दिए, if a particular boy and a girl are never adjacent. If a particular boy and a particular girl are never adjacent. बहुत आसान सवाल है, are never adjacent. तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, कि सबसे पहले मुझसे क्या कह रहा है कि आपने बॉयज़ और गर्ल्स को, 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, आपने इनको क्या बिठाना है, ऑल्टरनेटिवली बिठाना है. लेकिन आप किसी को भी पर्टिकुलर मान लो, सपोज B1 और G1 है, एक बॉय B1 है और एक बॉय G1 है, ठीक है, एक बॉय B1 है और एक गर्ल G1 है, ये दोनों क्या नहीं होने चाहिए, साथ में नहीं होने चाहिए. नेवर एडजेसेंट का मतलब है कभी भी अगल बगल नहीं होने चाहिए. तो आप किसी को भी ले सकते हैं वो, आप, मैं B1 G1 का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, B1 G1 को आप हमेशा ये मान के चलिएगा कि वो साथ नहीं आ सकते. तो इस तरीके से अरेंज करना, बॉयज़ को बिठाना, देखना क्या आंसर आ रहा है. ऑप्शंस दूँ आपको, ऑप्शंस लिख लो, 5 - 1 factorial इंटू 3 factorial. ऑप्शन बी है 5 - 1 factorial इंटू 4 factorial. ऑप्शन सी है 5 - 1 factorial 3C1 इंटू 4 factorial. ऑप्शन डी ये है 5 - 1 factorial 3C1 into 3 factorial. ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए आपको, ठीक है, लेट्स ट्राई. ठीक है, इसको ट्राई करना आप घर पे एक बार, फिर नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत आसान है. अगला सवाल लिखना, इसमें भी आई विल गिव यू ऑप्शंस. ये आसान सवाल है, ठीक है, ऑप्शंस भी दूंगा, अभी आपके एग्जाम में आए हुए सवाल हैं. क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls कैन सिट इन अ रिंग. द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls Five boys and five girls can sit in a ring.
कैन सिट इन अ रिंग. ऑप्शंस ऐसे दें, ए 10 फैक्टोरियल, बी 9 फैक्टोरियल, सी 5 फैक्टोरियल, डी 6 फैक्टोरियल. क्या होगा आंसर बता दो सीधा ही. ये भी एग्जाम का सवाल है. अच्छा आप देख रहे हो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियोस डाल रहे हैं, देखा आपने? हाँ ठीक है, वो देख लेना पड़ेगा एक बार, मुझे वो फीडबैक चाहिए. हाँ अच्छा पहले ऊपर वाला बताओ आंसर क्या है. ऊपर तो आसान है. हाँ 9 फैक्टोरियल बेटा वो आसान है. देखो अब एग्जाम में आया हुआ सवाल है, वो बोल रहा है पांच लड़के हैं और पांच लड़कियां हैं. अब आपसे कुछ कंडीशन नहीं दी, इनको आपने रिंग में बिठाना है. तो टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं बेटा, कैसे भी रिंग में बैठ सकते हैं. 10 लोगों को रिंग में बिठाने का तरीका कितना है? 10-1 फैक्टोरियल, मतलब इसी तरह 9 फैक्टोरियल. तो ऊपर वाला सवाल तो बहुत आसान है, ये अला करो, ये भी बहुत आसान है समझते हुए. देखते हैं कौन पहले बताता है आंसर. इसमें क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल कैन बी सीटेड. अब 8 लोग हैं बेटा, अब आप 8 लोगों को आपने बिठाना है ऐसे, ठीक है. 8 लोगों को चलो बिठा के देख लेते हैं, ठीक है. सपोज मैंने ऐसे बिठाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब वो बोल रहा है 8 लोगों को, अगर सिर्फ 8 लोगों को बिठाना होता तो 7 फैक्टोरियल आता मेरा आंसर, 8-1. लेकिन वो मुझसे क्या कह रहा है, देखो 7 फैक्टोरियल भी ऑप्शन में, लेकिन मुझसे वो कह रहा है कि वेन 3 ऑफ देम वुड लाइक टू सिट टुगेदर. अब 3 लोग हैं बेटा, ये 3 दोस्त हैं, ये कह रहा है हम अगल बगल ही बैठेंगे भाई. मैंने कहा बैठ लो, इन्होंने हाथ पकड़े हुए अपने, मतलब अपनी सीट को इंटरचेंज जरूर कर सकते हैं. अच्छा अगर अब मैं देखूँ टोटल जगह कितनी हो चुकी है, 1 जगह 2 जगह, इनको मैं एक ही जगह मानूंगा, 3 जगह 4 जगह 5 जगह 6 जगह. देर आर टोटल हाउ मेनी प्लेसेस नाउ. अरे ऐसे तो करते थे हम, तो एक क्योंकि इन्होंने साथ ही रहना हमेशा, जहाँ भी जाएंगे यहाँ वहाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को 6 जगहों में बिठाना है अगर सर्कुलर वे में, तो क्या होगा? 6-1. तो इसका आ गया 6-1 फैक्टोरियल, इतना है सर. और ये 3 लोग अपनी जगह तो चेंज कर सकते हैं, इनकी तो 3 जगह 1, 2, 3, ये 3 लोग अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते ना. और 3 लोगों को 3 जगह में अपनी जगह इंटरचेंज करने के तरीके कितने हैं? वो तो सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं है. दिस विल बी योर आंसर. तो हमने क्या करा, उन 3 लोगों को हमने पहले बांध दिया, क्योंकि वो 3 लोग हमेशा साथ में होने चाहिए, ठीक है. तो इसको मैं सिंगल स्पेस सिंगल प्लेस काउंट करूँगा, सिंगल पोजीशन. तो 1, 2, 3, 4 6 लोग थे हमारे पास. 6 लोगों को सर्कुलरली अगर मुझे परम्यूटेट करना है या अरेंज करना है, तो आई हैव 6-1 फैक्टोरियल. और वो जो 3 लोग हैं, वो 3 लोग अपनी जगह तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं. कोई शक? अगला सवाल देखो, सारे टीएमएच के हैं, अच्छे सवाल हैं. देखना अ मैन, ऐसा सवाल है, अ मैन इनवाइट्स, या है ना सच में, डायग्राम जरूर बना लेना बेटा, डोंट टेक इट लाइटली, बाद में भूल सकते हो. तो अभी आप जरूर डायग्राम बनाएं ताकि आपको याद रहे, 10 दिन बाद देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे किया, ठीक है. क्वेश्चन क्या है, अ मैन इन्वाइट्स 9 फ्रेंड्स, अ मैन इन्वाइट्स 9 फ्रेंड्स, अ मैन इन्वाइट्स 9 फ्रेंड्स टू अ डिनर, टू अ डिनर,
to a dinner and placed four at one round table. एनडी में इतने आए ना ऐसे क्वेश्चंस, आप कुछ साल प्रीवियस पेपर्स के देखना. एंड और खासकर प्रोबेबिलिटी के केस में, एंड प्लेस्ड फोर एट वन राउंड टेबल एंड फाइव एट अनदर राउंड टेबल एंड फाइव ऑन अनदर राउंड टेबल एंड फाइव ऑन अनदर राउंड टेबल. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने नौ फ्रेंड्स को इनवाइट किया डिनर पार्टी में, और जहाँ भी मैंने पार्टी करी वहाँ पर राउंड टेबल थे, और मैंने चार लोगों से कहा कि यार आप तो इस राउंड टेबल में बैठ जाओ, और बाकी पांच से कहा मैंने आप यहाँ बैठ जाओ. तो दो अलग अलग टेबल्स थे क्योंकि सब एक में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे थे. ठीक हो गया. द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द गेस्ट, द नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द गेस्ट, ऑफ अरेंजिंग द गेस्ट. अब अपने गेस्ट को कितने तरीके से आप उनको अरेंज करवा सकते हो. ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, 9C4 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. बी ऑप्शन दिया 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सी ऑप्शन दिया है 9C4 इंटू 9 फैक्टोरियल. ये डी दिया है 9C5 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू, अच्छा डी में दे रहा हूँ, डी है नन ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज. अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, इनमें से कोई आंसर ही ना हो. हाँ फर्स्ट वाला अच्छे से देख लो, सेकेंड थर्ड, चार ही ऑप्शन है भाई, करो अच्छे से करो, फर्स्ट सेकंड मत करो. अभी बड़े तेज हो रहे हो आप लोग, तो सीधा बता दे रहे हो फर्स्ट सेकंड. यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना. दो राउंड टेबल है, नौ फ्रेंड्स हैं, तो आप कैसे करोगे. अरे यार आप, आपके फ्रेंड्स आ गए, अब उन नौ फ्रेंड्स में से आप पहले चारों को चुनोगे, आपकी मर्जी, चार को भी चुन सकते हो पांच को भी ना, क्योंकि दो टेबल्स हैं, एक में पांच बैठ सकते हैं एक में चार, तो नौ में से मैं पांच भी चुन सकता हूँ चार भी चुन सकता हूँ, मेरी मर्जी. नौ में से मैंने पांच चुने, यहाँ बिठा दिया, बाकी रिमेनिंग फिर चार में से चार चुने, यहाँ बिठा दिया, आंसर बता दिया मैंने आपको. सेकेंड अच्छा चैप्टर है ना, दिमाग लगाने वाला. अच्छा एक चीज़ और है, ये मैंने आपको बताया या नहीं बताया ना, अब हमें मैथमेटिकल तो पता ही है, हमें मैथमेटिकली क्या पता है कि अगर मैं बाय द वे पाँच चुनता हूँ तो वो किसके बराबर होगा. अच्छा 9C5 = 9C4 इसलिए होता है क्योंकि 5 + 4 = 9. अच्छा इसको बोलते हैं ऐसे हैं, लेकिन नौ लोग हैं, नौ लोगों में से पाँच लोग चुनने का मतलब क्या है कि मैंने चार लोग रिजेक्ट कर दिए हैं. नौ में से पांच लोग चुनने का मतलब होता है कि मैंने चार लोग रिजेक्ट कर दिए हैं. ये तरीका है चार लोग को रिजेक्ट करने का या सेलेक्ट करने का. तो रिजेक्शन और सिलेक्शन साइमल्टेनियसली चलता है यहाँ. अगर मैं पांच में से दस लोग, अगर मैं पांच में से चार लोग सेलेक्ट करूँ तो इसका मतलब मैं एक रिजेक्ट कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली ना. तो वो तो आपको मालूम होना चाहिए कि 9C5 का मतलब क्या है, कि आप चार रिजेक्ट भी कर रहे हो, एक ही बात है. ऐसा भी बोल सकते हो उसको आप. क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आएगा, इसमें नहीं, आगे जो हम करने वाले हैं. ठीक है, तो सिलेक्शन और रिजेक्शन को ध्यान में रखना कि नौ में से पाँच चुनने का मतलब होता है कि मैं नौ में से चार रिजेक्ट कर रहा हूँ, एक ही बात तो हुई, 5 + 4 = 9. तो ये तो सवाल आसान है, आप पाँच लो चार लोग आपकी मर्ज़ी, दो टेबल हैं आपकी मर्ज़ी, मैं पाँच ले रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. मैंने नौ में से क्या लिए, पाँच लोग लिए, नौ लोग थे मेरे, पाँच लोग लिए मैंने, पहले पाँच लोगों को मैंने टेबल में बिठा दिया, एक दो तीन चार पाँच,
पांच लोगों को इस टेबल में अरेंज करने के तरीके हैं फोर फैक्टोरियल, क्या बोलते हो? अब बचे मेरे दोस्त कितने बच गए? पांच तो मैंने ले लिए, पांचों को अरेंज भी कर दिया एक एक टेबल में. अब कितने लोग बचे? यहाँ पर नौ थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ में से मैंने एक दो तीन चार पाँच ले लिए, अब बचे चार. अब चार में से मुझे कितने लेने? चार ही लेने. तो चार में से मैं कितने ले लूँगा? चार ले लूँगा, तरीका बता रहा हूँ, चार में से चार ले लूँगा. और चार लोगों को यहाँ अरेंज करने के तरीके कितने हैं? ठीक है, इसको भी बल्कि मैं फाइव माइनस वन लिखता हूँ, तो यह आ जाएगा नाइन सी फाइव, यह आ जाएगा इंटू फोर फैक्टोरियल, फोर सी फोर. चार लोगों में से मुझे चार लोग चुनने, एक ही तरीका है, वन फोर माइनस वन इंटू थ्री फैक्टोरियल. अच्छा, नाइन सी फाइव हो या और करके भी लिख सकता हूँ, या नाइन सी फोर हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो नाइन सी फोर इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है. यहाँ पर नाइन सी फोर के टर्म्स में दिया है मुझे, दिस इज माई आंसर, बी इज़ द राइट आंसर. अगला सवाल, अगले पे आते हैं, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ बस. कुछ और सवाल लिखना, देयर आर टेन लैम्प्स इन अ हॉल, देयर आर टेन लैम्प्स, दस बल्ब हैं हॉल में, इन अ हॉल देयर आर टेन लैम्प्स इन अ हॉल. ठीक, ऑलरेडी किया है हमने ऐसे सवाल, बस थोड़ा सा एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको दे रहा हूँ कि आप कैसे करोगे. ठीक है, आपको क्या दिया है? आप देर आर टेन लैम्प्स, दस आपको लैम्प्स दिए, ठीक हो गया, देर आर टेन लैम्प्स फुल स्टॉप. ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, सबका इंडिपेंडेंटली बटन है, मतलब दस बल्ब है तो दस का दस अलग अलग बटन है. ईच ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, हर एक बल्ब का अपना इंडिपेंडेंट स्विच है, मतलब अगर मैं एक बटन दबाऊंगा तो एक ही बल्ब चलेगा. ठीक है, फुल स्टॉप. द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, कितने तरीके हैं ताकि मैं उस हॉल को रोशन कर सकूं? अगर एक बल्ब भी जलेगा तो तब भी वो रोशन होगा. ठीक है, समझ रहे हो? दो बल्ब जलेंगे तब भी हॉल रोशन जाएगा, तो कम से कम एक बल्ब तो जलना ही चाहिए. तो कितने तरीक़ों से आप उस हॉल को रोशन कर सकते हैं? ऑप्शंस दो, ऑप्शंस नहीं दे रहा मैं. सवाल क्या है? दस बल्ब हैं, दस लैम्प्स हैं, हर एक का अलग स्विच है, इंडिपेंडेंट स्विच है, आप कितने तरीके से उस हॉल को रोशन कर सकते हैं? सपोज़ ये हॉल है, इस हॉल में दस बल्ब लगे हुए हैं, तो मैं कितने तरीके से रोशन कर सकता हूँ? या तो एक बल्ब जला लूँ तब भी ये हॉल रोशन हो जाएगा. अच्छा, सारे बल्ब ऑफ होंगे तो तब नहीं होगा रोशन. तो एक बल्ब जला लूँ तब भी रोशन होगा, दो जला लूँ तब भी रोशन होगा, तीन जला लूँ तब भी रोशन होगा. समझ रहे हो चीज़ को? वैसे आना चाहिए, अब तो मुँह बोलिए आंसर आ जाना चाहिए भाई. ये नॉर्मल सवाल है. हाँ, टेन फैक्टोरियल, फिर से वही बकवास कर रहा हूँ, वही तो काम है. दस बल्ब को दस जगह अरेंज कर रहे हो क्या? हद हो गई यार. अरे तो नॉर्मल ऑन ऑफ वाला है. हाँ, क्या 10C1? अरे नहीं, 10 में से एक बल्ब थोड़ा चुन रहे हो आप. यहाँ ऑन और ऑफ है बेटा, स्विच ऑन ऑफ ऑफ. हाँ, ये आउटकम के ऊपर सवाल है. अगर एक सिक्का उछालोगे तो आउटकम क्या आएगा, उसके ऊपर है सवाल. मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में मिलते हैं ऑप्शन ना, फिर आप बोलोगे सर हमारे साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो. मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. ऑप्शन ऐसा दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 10 स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया है 1023, सी ऑप्शन दिया है 2 की पावर 10, और डी ऑप्शन दिया है 10 फैक्टोरियल 2 की पावर. टू की पावर टेन. हाँ भाई, हाँ आप दिमाग लगाओ. हाँ, टू की पावर टेन,
ऑप्शन तो और घातक है आपको देना इसका मतलब, क्योंकि पैटर्न ऑप्शन देना और घातक हो जाता है पता है, फिर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता ना। टू की पावर टेन बी कौन कर रहा बी क्यों हाँ क्यों एक से हो रहा है ना हाँ क्या तो जलाने पड़ेगा हाँ तो माइनस वन क्यों करा जलाने तो सब भी पढ़ सकते हैं माइनस टेन क्यों नहीं कर रहे हो एक ही केस ऐसा होगा। अरे भाई ये तो वो है बल्ब जलाने वाला आउटकम, अगर एक बल्ब जलाओगे तो उसके आउटकम क्या होंगे, या तो बल्ब जलेगा या तो वो ट्रू फॉल्स वाला ना वो हेड टेल वाला, वो ट्रू फॉल्स वाला नहीं करता हमने। सपोज 10 बल्ब है, 10 बल्ब ट्रू फॉल्स से मैं दर्शा रहा हूँ, ट्रू मतलब बल्ब का जलना, फॉल्स मतलब अगर एक बल्ब है तो क्या होगा आउटकम, एक बल्ब है तो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, मतलब या तो जलेगा या तो नहीं जलेगा। अगर दो बल्ब है तो या तो दोनों जलेंगे, या तो एक जलेगा एक बुझेगा, या तो पहला वाला बुझेगा दूसरा, या तो दोनों बंद हो जाएंगे। तो जलने वाली कंडीशन कितनी है हमेशा टोटल आउटकम से एक कम, टोटल आउटकम से एक कम, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें सारे बल्ब बंद होंगे और आपको क्या निकालना है। अब यहाँ पर आपके पास 10 बल्ब हैं तो सारे बल्ब अगर 10 बल्ब हैं तो पहला आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आउटकम तो हमें पता ही है यार। अगर एक बल्ब है तो 2 की पावर 1 आउटकम, दो बल्ब है तो 2 की पावर 2, वैसे 10 बल्ब से तो 2 की पावर 10 आउटकम, इसलिए बच्चे सीधा ये बोल रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन इनमें से एक कंडीशन आपसे क्या बोल रहा है कि कितने तरीक़ों से आप उस हॉल को रोशन कर सकते हैं। एक तरीका ऐसा भी है जिससे वो हॉल रोशन नहीं होगा, और वो तरीका क्या है, वो तरीका है जब सारे क्या हों बंद हों। एक तरीका ये भी तो है, ये तरीका नहीं चाहिए हमें। उसके अलावा बाकी जितने भी तरीके हैं उसमें कम से कम एक बल्ब जलेगा, या किसी में दो, फिर किसी में तीन, किसी में चार, सारी वैरायटी आएगी। तो टोटल तरीके कितने जाएंगे, समझ रहे हो इस चीज़ को, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ इसलिए। अब मैं आपको अगर कहीं से भी अब क्वेश्चन उठा के दे दूँ ना तो आपको दिक्कत होगी। नहीं आया सर में, नहीं आया आपको, मैंने वो भी दिखा दिया जिसमें सारे बल्ब्स ऑफ होंगे, वो भी तो एक आउटकम है जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो रूम को रोशन करना है ना। हाँ, कितने तरीके से आप बल्बों को जला सकते हैं या बुझा सकते हैं, ऐसा आता तो तब 2 की पावर 10 करते आप। एक एक उसमें एक सिचुएशन वो भी आती है कि सारे बल्ब्स ऑफ हैं ना, जलाना या बुझाना, या एक को जला दिया, पहला वाला बल्ब जला दिया सारे ऑफ, या दूसरा बल्ब जलाया बाकी सारे ऑफ, तीसरा बल्ब जलाया सारे ऑफ, चौथा बल्ब जलाया सारे ऑफ, पांचवा लास्ट बल्ब जलाया और सारे ऑफ है। ये सारे तरीके हैं कि मेरा रूम क्या हो रोशन हो। उसके अलावा पहले के दो बल्ब जला दिए सारे ऑफ, फिर बीच के दो, फिर ये दो, ऐसे करके 1024 आउटकम्स आ रहे हैं टोटल, जिसमें एक एक कंडीशन वो भी आएगी जिसमें सारे बल्ब ऑफ होंगे, ठीक है, और वो मुझे नहीं चाहिए, तो टोटल में से एक माइनस कर दो। अगला सवाल, ये तो फिर आसान है, देखते हैं कौन पहले करता है। देखना, इन हाउ मेनी वेज 7 children इन हाउ मेनी वेज 7 children इन हाउ मेनी वेज 7 children कैन बी सीटेड राउंड अ सर्कुलर टेबल। In how many ways 7 children can be seated around a circular table so that 2 of them always want to sit together, so that 2 of them always want to sit together। जल्दी करो, यूँ बताओ मुझे आंसर, ऑलरेडी कर चुके हम। अगला सवाल, ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, और इस सवाल पर जो इस सवाल की लैंग्वेज है, इस सवाल की लैंग्वेज बेस्ड आपके प्रोबेबिलिटी में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो मैं आपको अब सवाल दे रहा हूँ बहुत ही आसान सवाल है ये, इस सवाल पर बेस्ड यू विल फाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन लिखना, बहुत आसान सवाल है। अ बॉक्स कंटेन्स 2 white balls, ऐसा सवाल है। अ बॉक्स कंटेन्स, आसान सवाल है, एक बॉक्स है, a box contains 2 white balls
टू वाइट बॉल्स कॉमा थ्री ब्लैक बॉल्स थ्री ब्लैक बॉल्स एंड फोर रेड बॉल्स एंड फोर रेड बॉल्स एंड फोर रेड बॉल्स ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में आपको दो व्हाइट बॉल दिए, तीन ब्लैक दिए और चार रेड बॉल्स दिए, ठीक है, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज थ्री रेड बॉल्स सॉरी इन हाउ मेनी वेज थ्री बॉल्स सिर्फ तीन बॉल्स बोला है, इन हाउ मेनी वेज थ्री बॉल्स कैन बी ड्रॉन। अब कितने तरीके से बेटा आप तीन बॉल निकालोगे, थ्री बॉल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, इफ एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड, इफ एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल, कम से कम एक ब्लैक बॉल तो होनी चाहिए, आपको तीन बॉल्स निकालनी है, इस तरीके से निकालना कि जिसमें कम से कम एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए, अगर सपोज मैंने तीनों रेड निकाल दी तो वो मेरा आउटकम नहीं है, कम से कम एक तो रेड होनी चाहिए, कम से कम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं या मैक्सिमम तीन भी हो सकते हैं, क्योंकि तीन ही तो निकालनी है आपने, तो एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ, ठीक है, जो आप निकाल रहे हो। ऑप्शंस भी दे रहा हूँ मैं आपको, कितने तरीके से आप तीन बॉल निकाल सकते हो कि कम से कम एक तो काली हो उसमें, ऑप्शन है 32, बी 48, सी 64, डी 96, ठीक है। इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को आप पाओगे प्रोबेबिलिटी में, ये बॉल्स वाले देखना, जब मैं आपको वैरायटी कराऊंगा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की, तो यही वाले क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वहाँ पर, जहाँ पर अगेन आपने बॉल चुननी है अलग अलग, ठीक है, ऐसा पूछते हैं वहाँ पर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल आ जाए, आप तीन बॉल निकाल रहे हो, क्या प्रोबेबिलिटी कि तीनों रेड आ जाए, ये पूछेगा आपसे सवाल, तो मुझे आउटकम तो आना चाहिए कि तीन बॉल कैसे निकाल सकता हूँ। बहुत आसान सवाल है, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये मत सोचो कि ये प्रोबेबिलिटी से लिंक्ड है, अरे भाई बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, देखो अब आपसे क्या कहा है, एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल, ये आपसे बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन ब्लैक का मतलब क्या है बेटा, आपको कितनी बॉल विड्रॉ करनी है, टोटल तीन बॉल्स आपको विड्रॉ करनी है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक तो वैरायटी ये हो जाएगी कि कम से कम एक बॉल वाली वैरायटी हो जाएगी, ठीक है, या का मतलब है प्लस करूँगा, या दो बॉल आ जाए, ब्लैक की बात कर रहा हूँ मैं, एटलीस्ट वन ब्लैक बॉल का मतलब है या तो एक ब्लैक बॉल आ जाए, या तो वन ब्लैक आ जाए, या तो टू ब्लैक आ जाए, या तीनों के तीनों ब्लैक आ जाए, ये तो कंडीशंस है। अब बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, देखो एक ब्लैक कैसे आएगी, एक ब्लैक कब आएगी, जब आप तीन ब्लैक में से एक ब्लैक चुनोगे, अब बच्चे क्या कर रहे हैं गलती, वो सोच रहे हैं कि मैंने तीन में से एक चुन ली, बाकी फिर वो आठ में से क्या कितने चुन रहे हैं, दो चुन रहे हैं, अबे भाई तू रिमेनिंग आठ ले लेगा तो उसमें दोबारा ब्लैक नहीं आ जाएगी, तो तुझे ब्लैक को तो हटाना है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि तेरे पास सिर्फ कितनी ब्लैक होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, तीन कंडीशन आई उसमें, या तो एक ब्लैक, या दो, या तीनों भी हो सकती हैं, तो अगर मैं एक वाली कंडीशन लूँ तो एक वाली कंडीशन में क्या होगी, अगर आपने 3C1 ले लिया बेटा, अब आप इन तीन ब्लैक बॉल्स को कंसीडर नहीं कर सकते, रिमेनिंग कितनी बॉल्स बची, रिमेनिंग बची छः, और छः में से कितनी लेनी होंगी आपको, दो, बच्चे आठ में से ले रहे हैं दो, अगर वो आप आठ में से दो लोगे ना तो उसमें फिर से ब्लैक बॉल इंक्लूड हो जाएगी और वहाँ पर फिर दो भी आ सकती है, आपने ये सिर्फ वन ब्लैक बॉल वाला केस लिया, या आसान है बेटा, हमने वही, या आप तीन में से क्या ले लो, दो ब्लैक बॉल ले लो फिर से, और रिमेनिंग छः में से कितने लोगे फिर, एक, या तीन ब्लैक बॉल में से तीनों ही ब्लैक बॉल ले लो, मैक्सिमम तो ये होगा, कम से कम का मतलब क्या है, और बाकी रिमेनिंग छः में से एक भी ना लो, तो तीन बॉल्स चाहिए थी आपको, और तीन बॉल में से कम कंडीशन क्या थी कि आपकी एक ब्लैक होनी चाहिए, कम से कम एक ब्लैक, तो कम से कम में एक में क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा दो या मैक्सिमम तीन,
ठीक है, बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर एट लिख कर गलती कर रहे हैं। कोई डाउट बेटा इसमें, क्या आंसर आ रहा है? इस चीज़ को समझे ना आप कि अगर आप यहाँ पर आप एट लोगे तो इसका मतलब आप रिमेनिंग दो बॉल्स को फिर से इंक्लूड कर रहे हो, जो रिमेनिंग दो ब्लैक बॉल्स है उनको आप फिर से इंक्लूड कर रहे हो, और यहाँ पर सिर्फ एक वाली कंडीशन है। अगर मुझे एक ही ब्लैक बॉल चाहिए तो एक ही ब्लैक बॉल के लिए मुझे दोबारा ब्लैक बॉल्स को कंसिडर करना ही नहीं पड़ेगा। तो तीन ब्लैक बॉल में से एक ले ली और रिमेनिंग छः बॉलों में से मैंने दो ले ली, रिमेनिंग क्या है, वाइट और रेड कलर की है। एक और क्वेश्चन लिखो, अच्छा सवाल है ये भी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, यूँ निकाल सकते हो आप आंसर सीधा। क्वेश्चन है, रमेश हैज सिक्स फ्रेंड्स। अगला सवाल लिखना रमेश, क्वेश्चन है रमेश हैज सिक्स फ्रेंड्स। रमेश के पास कितने फ्रेंड्स हैं, छः फ्रेंड्स हैं, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज रमेश हैज सिक्स फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इन्वाइट वन और इन हाउ मेनी वेज कैन ही इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम एट अ डिनर पार्टी। वन और मोर, हाउ कैन ही इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम एट अ डिनर पार्टी। एक या एक से ज़्यादा का मतलब वही होता है एटलीस्ट वन। सेम वही सवाल है, करो फटाफट। अच्छा ऑप्शंस में दे रहा हूँ, समझे ना इसका मतलब। या तो वो क्या कर सकता है, छः दोस्त हैं उसके, जैसे मेरे छः फ्रेंड्स हैं, मेरी बर्थडे पार्टी, या तो मैं एक को बुलाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम छः को भी बुला सकता हूँ, तो सारी कंडीशंस आएंगी, एक दो तीन चार वाली और छः वाली भी, ठीक है। तो ऑप्शंस ऐसे दिए हैं, 61, बी 62, सी 63, डी 64। बहुत जल्द अब हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। एडिशन में कहीं गलती कर रहे हो तो भाई, और इसमें एडिशन करने की ज़रूरत भी नहीं है बेटा आपको। यहाँ देखो, अरे ये तो है ही क्या सवाल है, छः लोग हैं, या तो मैं क्या करूँगा, छः में से ज़ीरो तो मैं ले नहीं सकता। ऐसा थोड़ा कि मुझे एक को भी नहीं लेना, मुझे छः में से या तो मैं एक को इन्वाइट कर लूँ या छः में से दो को। ऐसी करते करते कहानी कहाँ जाएगी, छः में से छः। अच्छा मैंने आपसे ये बताया था कि NC0 से प्लस NC1 प्लस NC2 से अगर आप NCN तक ऐड करोगे तो क्या होता है, 2n होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, 1 होता है। अच्छा 1 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCN कितना होगा, 2n। तो सिर्फ अगर मैं NCN लूँ, अगर मैं NC1 लूँ और NC2 लूँ से लेकर NCN तक लूँ, तो ये हो जाएगा 2n-1। उसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है बेटा, उसी प्रकार से 61 प्लस 62 से लेकर कहानी 66 तक क्या होगा, 2n-1, और 2n कितना होता है,